हेलो दोस्तों, आज सिखाऊंगी ये सुंदर सी कैप। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। आज सिखाऊंगी न्यू डिजाइन की कैप बनाना। ये देखें, दो कलर लिए हैं और 10 नंबर की मैंने सिलाई ली है। अब देखें किस तरह से हम फिंदे डालेंगे। ये देखें, तीन बार हमने इसको कर लिया है। तीन बार के बाद देखें इस तरह से हम फिंदे डालेंगे। सादा ही फिंदे हैं, ये देखें। तो फिंदे डाल लेती हूँ, फिर बताती हूँ कि कितने हमें फिंदे डालने हैं। ये देखो मैंने फिंदे डाल लिए हैं, 84 फिंदे मैंने डाले हुए हैं। ये देखें किस तरह से हम बुनाई स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हमें एक रो पूरी सीधी सीधी निकालनी है, इस तरह से। ये उल्टी साइड से फिर डिजाइन स्टार्ट करेंगे बॉर्डर। बॉर्डर बिल्कुल न्यू डिजाइन का है, तो आप देखें किस तरह से बॉर्डर बनेगा इसमें। देखो हमने पूरी रो कंप्लीट की, सीधी सीधी सिलाई हमने पूरी निकाल ली है, यहां से लेके यहां तक। अब उल्टी साइड से हमें डिजाइन स्टार्ट करनी है बॉर्डर के लिए, तो देखें किस तरह से हम बनाएंगे। यहाँ देखें इस तरह से हमने इस वाले फिंदे को बुनना है। ये धागा अपनी साइड करना है, यहाँ एक फिंदे को हम स्लिप करेंगे। अब देखें हम यहाँ पे इस तरह से बुनेंगे, ये देखें। फिर अपनी साइड धागा एक फिंदे को स्लिप कर लिया, इस वाले फिंदे को इस तरह से कर लें। पहली शुरुआत करने हैं तो इसी तरह से करेंगे, ये देखें। एक फिंदे को हम स्लिप करते जाएंगे, एक फिंदे पे अंटा लगाते हुए हम बुनते जाएंगे, ये देखें। और इस तरह से अंटा लगाना है, इस तरह से। पूरी रो हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। अब देखें इधर से, अब इधर भी हमें ये वाला फिंदा सीधा बुनना है, इस तरह से साइड साइड के। इसी तरह से हम सीधे फिंदे बुनेंगे, ये देखें एक स्लिप कर लिया। अब यहाँ दो का एक करेंगे, जो अंटा लगाया हुआ फिंदा है और एक सादा वाला फिंदा, ये देखें इस तरह से। अब इसी तरह से ये डिजाइन चलेगी। ये सिलाई हम पूरी इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे का आपको बताते हैं फिर से। ये देखें लास्ट वाला फिंदा इस तरह से हम उतार लेंगे, दोनों साइड से इस तरह से होता है। अब इधर हमने कर लिया, इसको हम सीधा बनेंगे। ये देखें अपनी साइड धागा कर लिया, इसको हमने उतार लिया दो का एक अंटा लगाते हुए, ये देखें। ये देखें अपनी साइड कर लेते हैं धागा, इसको स्लिप कर लेते हैं और दो का एक करते जाते हैं। ये बॉर्डर बहुत सुंदर लगता है बनने पे, ये देखें इस तरह से। दोनों तरफ से इसी तरह से बनाना है, एक फिंदे को स्लिप करना है और दो का एक करते जाना है। तो ये रो हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर से देखें सीधी साइड से, ये देखें इस तरह से हमने सीधा बुन लिया, इसको स्लिप कर लिया, तो ये डिजाइन देखें उभरने लगी है। ये इसी तरह से हम पूरा बॉर्डर बना लेते हैं, फिर आपको आगे का बताते हैं कि आगे हम किस तरह से डिजाइन डालेंगे। एक इस वाले कलर से पड़ेगी और ये वाला कलर चलेगा। ये डिजाइन ऊपर के हम जब बॉर्डर बनाने के बाद डिजाइन बनाएंगे तो उसमें ये कलर चलाएंगे। तो बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये बॉर्डर हम चार अंगूर के आसपास बनाएंगे, थोड़ा चौड़ा बॉर्डर। तो बना लेती हूँ फिर दिखाऊंगी। ये देखो हमने बॉर्डर बना लिया है और दो सिलाई मैंने प्लेन निकाल ली है।
तो इस तरह से तीन सिलाई हमें और निकालनी है, उसके बाद में डिजाइन स्टार्ट करूंगी। इस तरह से मैंने सादा सादा निकाली है, ना कोई हमने फिंदे को बढ़ाया है ना कोई फिंदे को हमने घटाया है। तो मैं तीन सिलाई और निकाल लेती हूँ, फिर आगे की डिजाइन आपको बताती हूँ। ये देखो टोटल हमने पांच सिलाई निकाल ली है, अब हम डिजाइन स्टार्ट करेंगे। ये देखें इस वाले फिंदे को उतार लिया और ये देखें एक बुन लिया। अब देखो ध्यान से देखना, एक दो तीन चार पाँच, ये पांच के हम साइड से जाएंगे, एक दो तीन चार पाँच। तो ये देखें यहाँ से हमने सिलाई को डाला, इस तरह से हम निकालेंगे और इसका थोड़ा लूज रखेंगे। ये वाला फिंदा हम बुन लेंगे इस तरह से। अब देखें इसके ऊपर वाली रो में हम ये इस तरह से डालेंगे सिलाई को, और ये वाला फिंदे को हम बुन लेंगे इस तरह से। अब देखें दूसरा वाला, तीसरी जगह से हमने डाल लिया, ये देखें। अब ये चौथी वाली में, एक दो तीन चार, तो ये देखें इस तरह से, और थोड़ा लूज बनाएंगे। अब हम ऊपर से डाल लेंगे इस तरह से, और इस वाले फिंदे को बुन लेंगे। ये देखें इस तरह से डिजाइन ये पड़ेगी। अब फिर से देखें, इसी तरह से हमें यहाँ से लेके यहाँ तक बनाना है। अब पांच फिंदे हम फिर से गिन लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच। अब पांच के साइड से देखें, छठवां फिंदा हम गिनेंगे नहीं, यहीं से देखें, एक दो तीन चार पाँच। तो पांच से ये देखें, पांच के नीचे सबने सिलाई को इस तरह से डाला और इस वाले फिंदे को हम बुनते जाएंगे। ये बहुत ईजी है और बहुत जल्दी बनने वाली है। ये देखें, ये थोड़ा लूज रखेंगे और एक एक फिंदे को हम बुनते जाएंगे। अब देखें इस वाले फिंदे में दूसरी वाली सिलाई है, जो सिलाई के नीचे वाली, इसको बुन लेंगे। अब इसमें से डालेंगे और इस वाले फिंदे को बुन लेंगे। ये देखें इस तरह से, ये देखें डिजाइन बहुत सुंदर लगती है बनने पे। तो अब फिर से देखें, एक दो तीन चार पाँच, तो पांच फिंदे मैंने बिन लिए। इस एक दो तीन चार पाँच, पाँच के बाद हम फिर से गिनेंगे, एक दो तीन चार पाँच, पाँच के इस तरह से नीचे से हमने सिलाई को डाला और फिंदे को निकाल लेंगे। पूरी रो में हमें इसी तरह से बुनना है, इसी तरह से आपकी डिजाइन ये पड़ती जाएगी। और ज़्यादा है तो अगर आ नहीं रही है तो मेरे साथ साथ बुन लीजिएगा, तो आसानी से आ जाएगी आपको। ये देखिए, अब देखें हमने चार फिंदे कर लिए और पांचवा फिंदा ये, इसको पूरी रो में हम इसी तरह से बना लेते हैं, फिर दिखाते। ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने ये डिजाइन को डाल लिया है। अब उल्टी साइड पे हमें क्या करना है, इधर हमें दो फिंदे एक्स्ट्रा रखने हैं और इधर दो फिंदे एक्स्ट्रा रखने हैं, दोनों साइड दो दो फिंदे एक्स्ट्रा रखने हैं। ये देखें एक उतार लिया हमने, इसको एक को बिन लिया। अब यहाँ पे देखें दो का एक करेंगे, ये देखें दो का एक, फिर से दो का एक, दो का एक, जो बड़े हुए हैं सारे फिंदे इसी तरह से हम कम कर देंगे पूरी रो को। ये देखें दो का एक, पूरी रो में इसी तरह से करना है। ये बहुत सरल है डिजाइन और बहुत जल्दी बनती है। ये देखें इस तरह से हम दो का एक उल्टी सिलाई में करते जाएंगे, और सिर्फ इधर के दो फिंदे हैं वो हम सादा बुनेंगे। तो मैं कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ।
ये देखो हमने बना लिया है, उल्टी सिलाई पूरी कंप्लीट की और अब 5 सिलाई हमें फिर से निकालनी है। तो हमने कलर चेंज कर लिया है, ये देखें इस तरह से सारे फिंदे हम इसी कलर से बनाएंगे। तो कलर चेंज हो गया है तो 5 सिलाई मैं निकाल लेती हूँ, फिर आगे की डिजाइन आपको बताती हूँ। ये देखो मैंने 5 सिलाई निकाल ली है, आप देखें किस तरह से बनाएंगे डिजाइन को। इस फिंदे को उतार लेंगे 2 और 2 इधर से बिन लेंगे, ये देखें 4 फिंदे हमने बिन लिए। अब देखें डिजाइन कहाँ पड़ेगी, ये देखें 2, 2, 4, 1, 5 तो 5 के बीच से पड़ेगी, यहाँ पे डिजाइन आएगी। तो इस तरह से हम डिजाइन को बनाएंगे, ये देखें जिस तरह से हमने नीचे डिजाइन बनाई हुई है उसी तरह से डिजाइन को बनाना है, ये देखें इस तरह से। ये देखें तीसरा फिंदा, ये देखें चौथा फिंदा, ये देखें पांचवा फिंदा। जिस तरह से हमने नीचे बनाई हुई उसी तरह से ऊपर भी बनेगी, लेकिन फर्क है तो यहाँ पे ये डिजाइन पड़ जाती है, ये देखें इस तरह से। अब देखें फिर से देखें, ये देखें 2, 4, 1, 5 5 के यहाँ से आएंगे तो इस तरह से हम बनाएंगे फिर से। ये देखें पांचवा फिंदा ऊपर की साइड पे, इसी तरह से हम डिजाइन बनाएंगे। आपकी बार जैसे हमने शुरुआत में बनाई थी उसी तरह से पड़ जाएगी ये डिजाइन, इसी तरह से पड़ती जाएगी ऊपर की साइड पे। तो मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये देखो मैंने बना लिया है इसको, अब देखें ऊपर की तरफ से हमें, ये देखें इस तरह से हमें 2 का 1 करना है, सारे फिंदे हम 2 का 1 करते हुए उल्टी साइड से बुन लेंगे। सीधी साइड से भी हमें 2 का 1 करना है इस तरह से। तो मैं कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये देखो इतने फिंदे बचे हुए हैं वो हम सुई में कर लेंगे इस तरह से। ये उल्टी सुई करके इस तरह से फंसाएंगे, सीधी करेंगे तो ये फिंदे फट जाएंगे। सारे फिंदे हम इसी तरह से कर लेते हैं। ये देखिए इसको इस तरह से इधर से डाल के इसको खींच लेंगे इस तरह से, ये देखें इस तरह से। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सिलना है, ये देखें इस तरह से। ये देखो मैंने बना लिया है इसको और इसमें हम पॉम पॉम लगा देंगे, ये देखें यहाँ पे इस तरह से। ये देखो इस तरह से हमने उल्टा कर लिया इसको और इसको पक्का इस तरह से और यहाँ पे ये कट कर देंगे।